हेलो एवरीवन, मैं आराध्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कहो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही खास है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि आज का जो मेरा ब्लॉग है खास कर सभी माँ के लिए है जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज जो है मैं आप लोग के साथ है कि हेल्थ प्रोटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि बच्चों के लिए ही है। तो खासकर इस वीडियो को माँ ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है वही चीज़ें जो है दूध में मिक्स करके पिलाते हैं, हम खुद घर पे ही बनाते हैं उसका पाउडर, फिर उसके बाद बच्चों को पिलाते हैं। तो बच्चे भले ही दुबले पतले हों लेकिन हड्डियाँ तो मजबूत होती हैं ना। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और आज जो है मैं आप लोगों को एक नन्हे से मेहमान से भी मिलाने वाली हूँ, ठीक है, तो आप लोग जो है मिल लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मियों का जो है सीजन शुरू हो गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पतिदेव जी लेके आए हैं तरबूज, तो वही सब जो है खा रहे हैं। फ्रिज में रखा हुआ था तो ठंडा हो गया है, इसके बाद कट करके अब सब खाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बादाम, हरी इलायची खाने वाली, और मखाना, काजू, मूंगफली के दाने। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गैस पे जो है कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और इसमें अब हम डालेंगे मखाना। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने घी नहीं डाला हुआ है क्योंकि हमारे बच्चे जो है घी में डाल के मखाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम वैसे ही इसको गर्म कर रहे हैं। जब ये कुरकुरा टाइप में हो जाएगा ना, तो इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दूध में डाल के बच्चों को पिलाना होता है ना। तो अगर घी डाल देंगे तो घी जो है दूध में तैरने लगता है, तो इसलिए जो है बच्चे दूध भी नहीं पीते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को ना घी थोड़ा सा कम पसंद है। तो अगर आपके बच्चे को घी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है घी, देसी घी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मखाना जो है गर्म हो रहा है, थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा तो इसे हम जो है निकाल लेंगे एक थाली में ठंडा होने के लिए। गर्म जो है मिक्सी में डाल के हमें पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा जब मखाना ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद जो है मिक्सी में डाल के अच्छे से हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे लगातार बने रहिएगा और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर मंगाएंगे। दोस्तों, हमारा मखाना बन चुका था, तो इसके बाद हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। सारे मखाने को इसमें हम रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसके बाद बारी आ जाएगी बादाम की, तो बादाम को भी हमें हल्का सा गर्म करना है, क्योंकि गर्म कर देंगे ना तो आसानी से जो है पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें ज़्यादा बादाम नहीं लिया हुआ है, थोड़ा सा ही बादाम लिया हुआ है, क्योंकि बादाम ज़्यादा नहीं खिलाया जाता है बच्चों को, तो हानिकारक भी होता है लाभदायक भी होता है, दोनों होता है। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बादाम जो है गर्म होता है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद बारी आ जाती है काजू की, तो काजू भी हम लिए हैं, इसको भी हल्का सा गर्म करेंगे। आप लोगों को पता ही है काजू जो होता है फैट बढ़ाता है और बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग को हर चीज़ के बारे में पता ही है, तो बताने की क्या ज़रूरत है। आप हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो इसलिए जो है हम नहीं बता रहे हैं कि बादाम खाने से क्या होता है, काजू खाने से क्या होता है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि बताने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा हम इसे भून लेंगे, भूनने के बाद जो है इसको हम निकाल लेंगे एक थाली में ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें गर्म पाउडर नहीं बनाना है। अगर आप गर्म जो है पाउडर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है, क्योंकि जब आप मिक्सी में डालेंगे तो मिक्सी भी गर्म हो जाती है और ये भी गर्म रहेगा, तो इसलिए जो है ठंडा हो जाएगा तब हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको भून लिया है, भून के हमारा जो काजू है वो तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं थाली में। और दोस्तों, जब भी आप इससे भूने ना तो गैस को मीडियम फ्लेम पे ही करना, नहीं तो आपका जो काजू बादाम जो भी कुछ आप भून रहे हैं ना आपका जल जाएगा, तो इसलिए आपको गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है ताकि आपका जो काजू जो है ना जले ना।
दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ठंडे हो गए हैं तो मुंह में छाले हो गए ना, तो इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मखाने का जो है पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा जो है मखाने का पाउडर बनके तैयार हो गया है। चलो इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। इसके बाद जो मैंने काजू लिया था ना, उसका भी मैंने पाउडर बना लिया है, उसको भी एक थाली में रख देंगे। इसके बाद जो है बारी आ जाएगी बादाम की। यह है मेरा मखाने का पाउडर, यह है मेरा काजू वाला पाउडर, यह है मेरा बादाम वाला पाउडर, यह है मेरी चीनी का पाउडर और यह है इलायची पाउडर। और दोस्तों अभी मूंगफली का पाउडर हमें बनाना है, तो सबसे पहले इसके छिलके निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका पाउडर बनाते हैं। बनाने के बाद सारे सामान को एक में ही हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो ये देखो हमारी बिटिया रानी आ चुकी हैं अपनी मामी के पास। तो यहाँ पे जानवी और प्राणवी खेल रही हैं। तो यहाँ पे देखो जानवी जो है उसके मुंह में हाथ डाल रही हैं काटने के लिए। अभी काट लेगी ना तो चिल्लाएंगी, क्योंकि दांत जो है आ गए हैं इनके बिटिया की। तो यहाँ पे देखो बहुत ही प्यार से खेल रही हैं। मैंने सोचा कि चलो याद के लिए जो है एक क्लिप निकाल लिया जाए, जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे ना तब जब देखेंगे अपनी पिक्चर तो इन्हें याद आएगा कि हम इतने छोटे थे और ये हमारी दीदी इतनी लंबी थी। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं म्यूजिक, आप लोग भी एंजॉय कीजिए और हम भी थोड़ा सा प्राणवी के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी ना, तो इसलिए जो है हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। तो यहाँ पे देख सकते हैं जानवी अपना सारा सामान जो है दे दी है खेलने के लिए। अभय जो है प्रत्यूष के साथ खेल रहा है और जानवी जो है प्राणवी के साथ खेल रही है। नाम भी मिलता है जानवी प्राणवी। यहाँ पे देखो इनके मामा भी आ गए हैं। तो मैं जब कैमरा उठाती हूँ ना तो प्राणवी जो है कैमरे को एकटक देखने लगती हैं, तो बहुत ही हैप्पी हैं। अभय जो है वो लॉलीपॉप खाना चाहती हैं, तो इसलिए लॉलीपॉप के लिए जिद कर रही थी। मैं बोली कि नहीं मत खिलाओ, छोटी सी बच्ची है, ऐसा ना हो कि जो है जो गोला टाइप में है और उसके मुंह में ही अटक जाए। तो बोले कि नहीं अटकेगा और बड़े प्यार से खा रही भाई बच्चों का। तो अब बता दीजिए दोस्तों हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत ही जल्दी आपके राध्या फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।